वेलकम बैक टू जस्ट होममेड। आज हम बनाएंगे वेज कीटो पिज्ज़ा बिना आटा बिना मैदा के। एंड सरप्राइजिंगली ये पिज्ज़ा आपको इतना मज़ेदार लगेगा कि आपको फील ही नहीं आएगी कि ये बेस जो है ना आपने फूलगोभी और पनीर से बना रखा है। पर सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। ये है इसके इंग्रेडिएंट्स, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ फूलगोभी ली है 130 ग्राम, जिसको मैंने पानी उबालकर उसमें धो लिया अच्छे से, और अब मैं थोड़ी थोड़ी फूलगोभी डालकर इसको ग्राइंड कर लूँगी इस तरीके से। इसको हमने माइक्रोवेव कर लिया है 1 मिनट के लिए ताकि गोभी हमारी प्रॉपरली गर्म हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे पनीर, जो कि मैंने यहाँ ऑलमोस्ट इक्वल क्वान्टिटी का ही लिया है 150 ग्राम, जिसको हमने कद्दूकस कर रखा है ग्रेटर से। इसमें हम डालेंगे सीलियम हस्क, यानी कि हमारा मेन इंग्रेडिएंट इसबगोल, 1.5 बड़े चम्मच। ये ध्यान रखना है कि आपको इसबगोल हमेशा गर्म हो आपकी गोभी, तभी डालना है, तभी ये जो इसबगोल है ना वो एक्टिवेट होगा। और इसको डालते ही हमने इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि वो जो गर्म गर्म गोभी है उससे इसबगोल एक्टिवेट हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और ओरिगैनो सीजनिंग। इन सारी चीज़ों को डालकर हम इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि ये एक डो की फॉर्म में हल्का हल्का बंधने लग जाएगा। और हमने इसे उसके बाद रखना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। यहाँ जो गोभी है वो हमने मिक्सी में पीसी है, आप चाहें तो फूड प्रोसेसर है आपके पास या चॉपर है तो आप उसकी मदद से भी गोभी को अच्छे से काट सकते हैं। बट जब हम इसे मिक्स कर रहे हैं तो मेक श्योर कि पनीर को आप बहुत ही अच्छे से मिक्स करें, वरना उसके जो पीसेज हैं वो अगर कहीं कहीं रह जाएंगे तो फिर वो बेस में अच्छे नहीं लगते हैं। सो, ये हमारा डो हो रहा है रेडी। अब हम इसे कवर करके रख देंगे 30 मिनट के लिए ताकि ये डो हमारा प्रॉपरली रेडी हो जाए। आधे घंटे के बाद हम इस डो को निकालेंगे और जैसे मैंने आपको पनीर पराठे में रोल करना सिखाया था वैसे ही रोल करेंगे। सॉरी, आई हैव मिस्ड द वीडियो ऑफ रोलिंग पार्ट, बट जैसे हमने पनीर पराठे में से रोल किया था वैसे ही रोल करेंगे। साइड ज़रूर इसके थोड़े फटेंगे, तो आप साइड्स को इस तरीके से हाथ से प्रेस कर करके कवर अप कर दीजिएगा ताकि साइड्स इसके फटे फटे ना रहें। अब हम इसे माइक्रोवेव में बेक कर लेंगे। ये जो पार्चमेंट पेपर है इसी को डालकर मैं जो हमारी बेकिंग ट्रे है उसी के ऊपर इस पार्चमेंट पेपर को डाल करके इसे हम बेक कर लेंगे 20 to 25 minutes एट 180 degrees। अब मेरे माइक्रोवेव में इसे 20 to 25 minutes लगेंगे इस पूरे को लाइट ब्राउन होने में। अगर आपके माइक्रोवेव या कन्वेक्शन ओवन में जल्दी हो जाता है तो आप इसे उतनी ही देर कुक कीजिएगा जब तक इसे ब्राउन होना है, लाइट ब्राउन, और जो कॉर्नर्स है वो आपको दिखने लगेगा थोड़े कड़े हो गए हैं। तो ये देखिए, ये 20 मिनट्स बाद हमारा पिज्ज़ा कितना ब्यूटिफुली, बेस हमारा कितना ब्यूटिफुली कुक हो चुका है, बिल्कुल लाइट ब्राउन है ये अभी। एंड सी द कॉर्नर्स, दे आर ऑलरेडी लिटिल क्रस्टी, तो मतलब हमारा बेस फिल रेडी है। अब मैं इस पिज्ज़े पे दो तरह के सॉस लगाऊंगी। एक मैं हाफ में ये पेस्टो सॉस लगा रही हूँ जो मैंने घर पर ही बनाया है, और सेकंड हाफ में मैं लगाऊंगी इसमें मारिनारा सॉस, जिसको भी मैंने घर पर ही बनाया है। बोथ आर यू नो विदाउट एनी शुगर। पेस्टो सॉस थोड़ा सा हाई ऑन कैलोरीज होता है, बट स्टिल दैट्स फाइन। और अब हम इसमें वेजिटेबल्स अपनी चॉइस के लेंगे। मैंने यहाँ पे प्याज और मशरूम को थोड़ा सा कैरमलाइज कर लिया था ताकि मशरूम ज़्यादा पानी ना छोड़ दें। बाकी आप वेजिटेबल्स जो भी आपकी चॉइस की होगी दैट यू कैन यूज़। अब हम इसे कवर कर देते हैं चीज़ क्यूब से, और इसको मैंने ग्रेट करके डाला है। अब चीज़ आप उतना ऐड करें जितना आपका मन करे। नाउ वील पुट सम ओरिगैनो सीजनिंग टू गिव इट अ स्पेशल टेस्ट, एंड इसे हम अब सिर्फ 5 मिनट्स के लिए ही बेक करेंगे। अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर माइक्रोवेव और कन्वेक्शन ऑल्सो कि आपने इसे 5 मिनट्स बेक करना और 4 मिनट्स और थोड़ा ज़्यादा। सो मेरा पिज्ज़ा बनकर होने वाला है रेडी, एंड सी हाउ
good it looks. Half pizza marinara, half pizza pesto, and this will surely give you a treat. Do give it a try.